Hi friends, this is Amit Ahuja and welcome to a new video. Welcome to Thinkar Academy powered by STS. और जो पिछला वीडियो था जिसके ऊपर मैंने ईवी के बारे में बताया था उसमें चाहे मेरे को ज्यादा व्यूअर्स नहीं थे, दैट डजंट मैटर, क्योंकि ईवी एक नया सब्जेक्ट है एंड बहुत सारे लोग अभी उसमें कंसर्न नहीं है, लेकिन मैंने उसमें आपको ब्रॉडली कंपोनेंट्स के बारे में बताया था और मैंने ये भी बोला था कि उसको बिना जाने समझे इक्विपमेंट लिए कृपा करके बोनट शोनट खोल के इधर उधर की चीजें मल्टीमीटर से या उस चीज को चेक करना ना करो। अब बात यह है, उस चीज पे मैं अभी भी कायम हूं कि क्या करना है और कैसे करना है, बिकॉज आज हमारा जो केस स्टडी था वो एक BMW i8 के ऊपर था और बेसिकली फ्रेंड्स द ओनली थिंग इज आगे जाके वी विल बी कवरिंग अप ऑल दीज थिंग्स। आगे जाके हमारा को ये जो कवर अप होगा उसमें हम ये देखेंगे कि चाहे ये यूरोपियन ब्रांड्स हो, चाहे ये अमेरिकन ब्रांड्स हो, चाहे ये जापानीज हो, चाहे कोरियंस हो, जो हाई वोल्टेज है, जो आपका जो ये ईवी है और जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, चाहे वो प्लग इन टाइप हो, चाहे जो भी हो, या एक्सटेंडेड रेंज व्हीकल वाले हो, आपको जो कंपोनेंट्स मिलेंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। उससे आप वो चाहे BMW वाले उसको जो उनकी तीन मेन रिले हैं उसको K1 K2 K3 बोले, जो टोयोटा वाले हैं उसको SMR बोले, सिस्टम मेन रिले 1 2 3, घूम फिर के सब कुछ वही है। आपको फंडे को समझना चाहिए बट दैट इज ऑल। अब ये है कि वो चीजों के ऊपर आज का वीडियो मैं नहीं रख रहा हूं। मसला ये है कि पिछली बार मैंने कहा था आप क्या नहीं कर सकते और क्या नहीं करना चाहिए बिना प्रॉपर इक्विपमेंट, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग और बिना आपके सेफ्टी इक्विपमेंट के, बिना पर्सनल प्रोटेक्शन के बिना। अब क्वेश्चन ये है कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो माय फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आप काम कर सकते हो, बेहिचक होके, कोई आपको ग्लव नहीं पहनना, कोई आपको मल्टीमीटर नहीं लेना, आपने कुछ नहीं करना, आपके क्लाइंट की गाड़ी में एक प्रॉब्लम है तो स्ट्रेट अवे आप स्कैनर को आराम से हुकअप कर सकते हो बिना झिझक के, क्योंकि जितने भी आपके ये मॉड्यूल्स हैं, चाहे वो यू हैव द इन्वर्टर मॉड्यूल, चाहे आपका हाई वोल्टेज मॉड्यूल होगा, बैटरी कंट्रोल मॉड्यूल होगा, जो जितने भी इसके मॉड्यूल होंगे वो सारे के सारे 12 वोल्ट पे चलते हैं, ठीक है। सो मैं आपको ब्रॉडली आज बता देता हूं कि कौन कौन से मॉड्यूल आप किस किस तरीके से चेक कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से चैलेंजिंग गाड़ी कौन सी है सबसे ज्यादा, क्या वो हाइब्रिड है, क्या वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। जो एक्चुअल फैक्ट ये है कि जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग गाड़ी है वो आपकी हाइब्रिड है। हाइब्रिड में क्या है कि आपका इंटरनल कंबशन इंजन भी है और आपका हाई वोल्टेज सिस्टम भी है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी भी है कि उसके अंदर मोटर जनरेटर जो है वो 1 है, 2 मोटर जनरेटर है, इट रियली डजंट मैटर, क्योंकि मोटर जनरेटर का काम है उसने 3 फेज पे चलना है, राइट। और जो आपकी हाई वोल्टेज है वो हाई वोल्टेज डीसी है, जो लो वोल्टेज है, और लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दोनों डीसी है, उनमें एसी नहीं है। जो आपका मोटर जनरेटर है और आपके जो बाकी चीजें हैं, जो भी एसी कंप्रेसर वगैरह, वो आज मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूं, बट उन्होंने चलना है 3 फेज में। सो बेसिकली UVW जो भी आप लोग 3 फेज को थोड़ा सजेशन मेरी है कि उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा लें। अब बेसिकली क्या है कि जो हमारा जब आप स्कैनर लगाते हो तो हम लोगों को जो पैरामीटर है, जो इंटरनल कंबशन इंजन है, वो तो इंटरनल कंबशन इंजन है, उसमें वो सारे चीजें आपको दिखेंगी जो आप नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी में आज तक देखते आ रहे। सो देयर इज नो डिफरेंस। बेसिकली जो आपका जो
इट विल हैव द सेम थिंग आपका राइट फ्रॉम इंजेक्टर्स कॉइल्स आपके स्पार्क प्लग्स आपका जो कूलेंट्स है राइट आपके जो क्रैंक सेंसर है जो कैमशाफ्ट सेंसर है जितने भी आप लोग आज तक सेंसर को डील कर रहे हो वो सारी चीजें सो उसमें कोई फर्क नहीं है। द ओनली थिंग इज कि आपके जो इसमें ना तो स्टार्टर होगा ना ही ऑल्टरनेटर होगा ओके सो वो बेसिकली मोटर जनरेटर का काम होता है वो इंटरनल इंजन को क्रैंक अप करना। सो आपके जो फंडे हैं उस चीज में मोर और लेस सारे क्लियर ही है उसमें वो वही O2 सेंसर्स है वही कैटलिस्ट कन्वर्टर है वही सब कुछ है OBD2 प्रोटोकॉल उसको भी अडियर करना है क्योंकि उसको उसमें करना है क्योंकि उसके अंदर गैसोलीन है। नॉर्मली आज की डेट में जो गैसोलीन के वो आ रहे हैं जो हाइब्रिड्स में आ रहे हैं जैसे मैंने पिछली बार भी बोला वो GDI है गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन है या आपके हाइब्रिड इंजेक्शन सिस्टम है जिसमें यू नो आपका यू माइट हैव एक स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन जो डायरेक्ट इंजेक्शन भी है और पोर्ट इंजेक्शन भी है सो रियली डिपेंड मैन्युफैक्चरर जो भी है लेकिन ये जो इंजन है ये कम क्यूबिक कैपेसिटी और कम पावर के हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि ये ज्यादातर जो इंजन है एटकिंसन साइकिल पे चलेंगे मैं टोयोटा की बात कर रहा हूं जो BMW वगैरह है जो यूरोपियन है क्योंकि उनको बेसिकली पावर की तरफ ज्यादा उनका रुझान है तो उनकी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है वी विल कवर इट अप इन अ लिटिल लेट लेकिन बेसिकली अगर आप ये फंडे समझ जाते हो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब इसमें आपने ये वाला तो पोर्शन बड़ा क्लियर है कि आपको जो चीज दिख रही है वो आपको दिख रही है कि आप इंजन ऑन करोगे। एक मेरे बांग्लादेश के फ्रेंड है उन्होंने एक बात पूछी थी कि वो लोग कंपनी है वो मलेशियन प्रोटॉन के हाइब्रिड पे वो काम करते हैं तो उन्होंने उसका एक सवाल आया था कि क्योंकि हाइब्रिड चैलेंजिंग यू है कि इंटरनल कंबशन इंजन वो अपने आप ऑन होगा तो उसका कहना ये था कि सर इसमें कैसे करें कि अगर मेरे को इंजन पे काम करना है और मेरे को इंजन स्टार्ट चाहिए तो मैं क्या ऐसा चीज करूं कि मैं वो बिना हाइब्रिड को करे हुए वो इंजन कंटिन्यूअसली ऑन हो क्योंकि हाइब्रिड का इंजन यू नो एक दो मिनट के लिए स्टार्ट होगा पांच मिनट के लिए दो तीन मिनट के लिए स्टार्ट होगा बंद हो जाएगा जैसे उसको देखेगा कि मेरी हाई वोल्टेज बैटरी जो है वो चार्ज कैपेसिटी बढ़ गई है वो बंद कर देगा या उसको ये देख रहा है कि मेरे को 12 वोल्ट को चार्ज करना है तो जो भी होगी वो यू होगी तो उसको यहां से चार्ज करेगा तो इधर से होगा सो बेसिकली दैट इज द थिंग। उसमें मेरे फ्रेंड्स बाकी भी जो सुन रहे हैं अगर आपके पास एक हाई क्वालिटी स्कैनर है या फैक्ट्री का है तो उसके अंदर सर्विस मोड है। सर्विस मोड में आप जाके उस गाड़ी को इंटरनल कंबशन इंजन को आप ऑन कर सकते हो उसका एक प्रोसीजर है वो जब हम आएंगे तब करेंगे। सो बेसिकली जो डायग्नोस्टिक्स है इज वेरी क्लियर कि आपका जो इंटरनल कंबशन इंजन का है वो आप अपने स्कैनर से देख सकते हो। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज क्या आप ये जो हाई वोल्टेज सिस्टम है वो भी आप स्कैनर से देख सकते हो और बेसिकली क्या है कि हाइब्रिड बिकम्स ज्यादा चैलेंजिंग होती है क्योंकि अगर आपका इंटरनल कंबशन इंजन नहीं चला तो आपका हाई वोल्टेज भी ऑन नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम चुन लें नहीं जी ये कोई बात नहीं खराब है तो हम यू नो हाई वोल्टेज में चलाते रहेंगे ऐसा कुछ नहीं है। दोनों चीजें इन सिंक होनी चाहिए ओके सो जो इसमें है डायग्नोस्टिक्स में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखा देगा। बेसिकली जो आपको मेन चीज देखनी है वो आपको एक तो जितने भी टेम्परेचर सेंसर है आपको ये हाइब्रिड सिस्टम मतलब ये जो हाई वोल्टेज सिस्टम है इसमें टेम्परेचर सेंसर ढेरों में भाव मिलेंगे मतलब हाई वोल्टेज बैटरी में आपको कम से कम 3 मिल जाएंगे इन्वर्टर में मिलेंगे मोटर जनरेटर में मिलेंगे यू नो
इंटरनल कम्बशन इंजन में मिलेंगे। सो यू आर गोइंग टू गेट आपको, और उसके बाद जो कूलेंट सिस्टम है जो इनको ठंडा कर रहा है, तो ये सारे जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर्स हैं आपको ये देखना है कि वो क्या कह रहे हैं। और दूसरा जो आपको देखना है, जो हाई वोल्टेज बैटरी है इसको हम मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे जो BMW का i8 का वो था, वो 360 वोल्ट का है, और उसको उन्होंने बहत्तर मॉड्यूल बना दिए, राइट। सो बेसिकली वॉट एवर जो उन्होंने 36 एक तरफ है बैटरी, 36 एक तरफ है, तो उसको किसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करके उन्होंने वो मॉड्यूल बना दिए ऐसे ही। तो बेसिकली क्या है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो ये सीरीज में लगा होता है उसको हम एक मॉड्यूल बोलते हैं, वन मॉड्यूल। तो आपने देखना यह है कि जो इसके जो वोल्टेज है वो सारे मॉड्यूल्स की बराबर चार्जिंग वोल्टेज है कि नहीं है। अगर वो नहीं है तो वी आर गोइंग टू गेट अ प्रॉब्लम, कोई ना कोई दिक्कत होगी। सो बेसिकली आपका ऐसे ही जो मोटर जनरेटर है, मोटर जनरेटर के टेम्परेचर है, और अगर उसमें कहीं वो फॉल्ट रीड कर रहा है, धीरे धीरे इस चीज को हम कवर करेंगे। बट कहने का मतलब ये, आज की डेट में जो मैं आपको कह रहा हूं कि आपके पास अगर ईवी है और हाइब्रिड है, हाइब्रिड प्लग इन करने में ज्यादा आसान होती है, क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था टेस्ला वेस्ला के बारे में, तो उन्होंने क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में हमारे OBD एमिशन नॉर्म्स नहीं है, वो जीरो एमिशन व्हीकल है, तो उसमें कोई 16 पिन पोर्ट की उनको जरूरत नहीं है। सो बेसिकली वो हमारे को देखना पड़ेगा कि उनका जो डायग्नोस्टिक केबल है वो कैसा है, लेकिन वो स्कैनर के साथ आपके हुकअप हो जाएगा। अब इंडियन गाड़ी का अभी मेरे को नेक्सॉन वगैरह पे पढ़ना है, तो मैं उसके बारे में डेफिनेटली ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वीडियो में बताता रहूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग डायग्नोस्टिक्स नहीं कर सकते। बहुत सारी, अब जैसे चाहे थिंकार है या ऑटेल है, इन्होंने अपनी एक रेंज निकाली है ईवी डायग्नोस्टिक्स की, ईवी और HEV की, वो एक पूरा पैकेज है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि। लेकिन बात यह है, आज से अगर आप इसके बारे में सीखना शुरू करोगे तो आगे जाके इट विल बी इजियर, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी है जो आगे आने वाली है। क्योंकि ये जो इंटरनल कंबशन इंजन है, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे इंडिया में E20 फ्यूल आ गया। E20 मींस 20% इथेनॉल है और बाकी जो 80% पेट्रोल है, लेकिन गवर्नमेंट का एम यह है कि उसको E85 तक लेके जाना है। सो उसी तरीके के इंजन होंगे। E20 में भी बहुत सारे चेंजेस हैं इंजन में, जो आपको आने वाले टाइम में दिखेंगे। सो बेसिकली एक अच्छा स्कैन टूल, जो आपको वो जो डेटा आप देखना चाहते हो वो आपको दिखे, तो आप इसको आसानी से डायग्नोस कर सकते हो। डायग्नोस कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जो रेक्टिफिकेशन, मतलब उसको ठीक करने का प्रोसेस है, जब तक आप ट्रेन ना हो जाओ, आपकी सेफ्टी इक्विपमेंट ना हो, तब तक उसमें हाथ ना डालिए। सो वी विल कीप द वीडियो टू हियर माय फ्रेंड्स एंड कीप द क्वेश्चंस कमिंग इन। आप लोग क्वेश्चन डालोगे, मैं इसके बारे में और आपको अपग्रेड करता रहूंगा। सो वी विल कीप द वीडियो टू हियर टिल वी मीट अप अगेन। दिस इज अमित आहूजा, चीयर्स, बाय-बाय।